पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। इस दौरान आमरण अनशन भूख हड़ताल भी जारी है, लिहाजा उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस को भी बुलाया गया है। उसके बाद खुद जो चिकित्सक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल जो जिनकी तबीयत बिगड़ी है लक्ष्मी, उन्होंने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद खुद यहाँ पर डॉक्टर पहुँचे हैं और उनको वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख पाएंगे आप किस तरह से। ये आखिर हॉस्पिटल जाने से क्यों इनकार कर रही है? हॉस्पिटल भेजना तो जरूरी है ना, मान लिया कुछ अनहोनी हो जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट इलाज तो जरूरी है ना। सब तो मरने के लिए बैठे हैं ना सर, इलाज चाहिए ना। अगर सरकार आपको सुविधा दे रही थी नहीं तो कब तक सर इलाज करके फिर से उठा के भेज देगी? हम लोग जीना नहीं चाहते हैं सर, हम लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे आंखों में भी सपने हैं, हम भी जिंदगी जीना चाहते हैं। जब एम्बुलेंस आ गया है प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहेंगे सर, लेकिन सर हमारी जिंदगी मौत से भी बदतर है सर। तो ये देखिए, और नहीं लग रहा, लेकिन वो एग्जामिन करने हमको नहीं दे रही है, लेकिन हमको तो ध्यान देना है, इसीलिए इनको हम SDO इंचार्ज को लिखित हम देंगे कि इनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा इलाज करने के लिए इनको अस्पताल भेजा जाए। बस जब नहीं, सलाइन हम लोग का वो नियम नहीं है, इनको अस्पताल में ले जाना होगा, है ना सर? अपना छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर लाल माझी है, सदर अस्पताल रांची। क्या जानकारी आपको मिली सर यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में जानकारी, बाकी सब है तो ठीक है, एक का तबीयत हमको तो ठीक नहीं लग रहा है देखने से ही, एग्जामिन करने तो नहीं दे रही है, लेकिन हमको देखने से ही ठीक नहीं लग रहा है, इनका इलाज जरूरी है। आप लोग का प्रोटोकॉल क्या कहता है, अगर इलाज करने के लिए मना करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग को तो करना है कि SDO को खबर करना है, भेजना है उसको इलाज करने के लिए। हाँ, ये हम लोग नहीं, प्रिस्क्रिप्शन है, SDO इंचार्ज को खबर करेंगे, लिख रहे हैं। हाँ, एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि इंचार्ज तो कोई रहता है ना यहाँ पर, इसीलिए उनको तो इंचार्ज को तो खबर करना ही पड़ेगा, ऐसी तो हम उठा के ले जाएंगे। ये मना कर रही है जाने, हाँ, दूसरी तरफ आप इन्हें ले जाने के लिए नहीं, तो स्थिति में क्या क्या किया जाए? नहीं, ले जाना तो है, इनका जान को खतरा है, इसीलिए ले जाना तो है। अब इनसे बात की सर? हाँ, बात हुई। क्या बोल रही? बात बोले कि हम एग्जामिन नहीं करवाएंगे। आपने जी आग्रह किया जी? हाँ, मैं एग्जामिन तो करना चाहा, लेकिन के पास ये चिट्ठी भेजे जी, क्या लिख रहे हैं? उसको लिखेंगे कि इनको हॉस्पिटल में इलाज का जरूरत है, तो ले जाएंगे। तत्काल जरूरत है सर इनको ट्रीटमेंट? हाँ, तत्काल जरूरत है। स्थिति नाजुक हो सकती है? स्थिति नाजुक हो सकती है जी। और भी आपको दिख रहे हैं सर कुछ यहाँ पर? नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बाकी ठीक है, एक जन का हमको ठीक नहीं लग रहा है जी। ये आपने देखा किस तरह से सदर अस्पताल के कुछ चिकित्सक यहाँ पर आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि इनको ले जाएं, लेकिन जो लक्ष्मी है वो इलाज कराने के लिए नहीं जाना चाहती है, कह रही है कि वो यहीं पर रहेंगी, किसी भी सूरत में सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं लेंगी। मगर कोशिश ये होनी चाहिए हुसैन कि एटलीस्ट इनको जो प्रायर इलाज है वो मिल जाए, ताकि स्थिति बिगड़े ना और आप लोगों को बाद में अफसोस ना हो। अफसोस किस बात का होगा सर, क्योंकि मैं भी नहीं बचूंगा ना, अफसोस करने के लिए मुझे ही बचना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एक आदमी मरने के लिए नहीं आया, सामूहिक रूप से सब मरेंगे सर। सरकार को तो हम अल्टीमेटम दे ही रहे हैं कि कल कैबिनेट है, अगर कल हमारी बातों को नहीं रखा गया, हमारी नियुक्ति अगर कराई नहीं जाती है, तो परसों सामूहिक रूप से हम लोग यहाँ पे सब जहर खा के मर जाएंगे यहीं पे। कल का डेडलाइन है, कल का डेडलाइन है, कल हम लोग सब जहर खा के मर जाएंगे यहीं पे, सब के सब, एक भी नहीं बचेंगे। जितने भी युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं, कल सब जहर खा के मर जाएंगे हम लोग। ये देखिए किस तरह की स्थिति बन गई है कि लोग बिल्कुल अपने जीवन और मृत्यु का भी ख्याल नहीं रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में उनको नियुक्ति पत्र मिले या फिर सरकार उनके साथ कोई रास्ता निकालने की कोशिश करे, लेकिन नियुक्ति पत्र के बिना कोई और बीच का रास्ता नहीं हो सकता है। तो ये अब देखिए सदर अस्पताल से चिकित्सक आए और SDO सर को ये पत्र लिख कर देंगे, यहाँ के बारे में जानकारी देंगे कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी है, बिगड़ी है, उसके बारे में ये तमाम लोग बताएंगे हमको, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जिला प्रशासन को प्रॉपर चैनल मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो देखिए आपके सामने लक्ष्मी है, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, उनकी तमाम जो खैरख्वाह हैं, तमाम जो लोग हैं उनके सामने, वो उनकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बयान कर रही हैं, जिस तरह चिकित्सक ने भी बताया है कि उनकी तबीयत
बिगड़ी है और उनको तुरंत तत्काल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अब वो खुद नहीं जाना चाहती हैं। इससे आशंका इस बात की व्यक्त की जा रही है कि उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, लिहाजा इसी अनहोनी की आशंका से तमाम लोग भी डरे सहमे हुए हैं। हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि एटलीस्ट जब एम्बुलेंस आ गई है, चिकित्सक आ गए हैं, तो इनका इलाज कम से कम कराया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई आशंका जो बात कही जा रही है उसे रोका जा सके। लेकिन फिलहाल खुद जो लक्ष्मी हैं वो नहीं जाना चाहती हैं, उनके जो सहपाठी हैं वो मनाना चाहते हैं, लेकिन वो अब तक बात बनी नहीं है। और देखिए ये एम्बुलेंस आपके सामने है, एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ पर नज़र आ रही होगी 108, इसी में आप फ़ोन करके किसी वक्त भी एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। और सामने में मेरी आप अपोजिट में देख पाएंगे, यहाँ जो खुद सदर अस्पताल से जो चिकित्सक हैं वो आए हैं, एम्बुलेंस की गाड़ी में सवार होकर आए हैं। और उनसे जैसा भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि वो खुद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ज़िला प्रशासन को एसडीओ को देंगे ताकि एक स्थिति बने और उनको जो लक्ष्मी है उनकी जो तबीयत बिगड़ी है तुरंत तत्काल ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत है वो उनको ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन फ़िलहाल स्थिति बेहद नाजुक है और ये बेहतर होता कि उनको यहाँ से हॉस्पिटलाइज कराया जाता, लेकिन जिस तरह से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो ज़िद पर डटे हुए हैं कि जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, और कल का डेडलाइन है, कल झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक भी है, लिहाजा ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उस कैबिनेट की बैठक में इनके लिए कुछ बेहतर संदेश मिलेगा, कुछ बेहतर खबर मिलेगी, लिहाजा कल तक का इन लोग ने डेट लाइन दिया है। बाकी जो आने वाले दिन है आगे रणनीति तय करेंगे, लेकिन जो भाषा और जो शब्दावली और जो जुबान ये लोग कहते हैं वो बहुत आशंका व्यक्त की जा सकती है कि बहुत अच्छा नहीं हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसा ये परीक्षार्थी बात कह रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इनकी मनोदशा को समझेगी और इनकी स्थिति को सामने रखते हुए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी ताकि जो झारखंड के मूलवासी स्थानीय निवासी हैं उनके साथ हकमारी ना हो और उनके साथ जस्टिस हो। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज़।